गुड मॉर्निंग गाइस, और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। और अभी मैं जाऊँगा लाबोंग के ओर, और हाँ आज मैं जल्दी मिज़ोरम मेघालय आसाम को क्रॉस कर गया। पर आज से शुरू होने वाली है मिज़ोरम की असली एडवेंचर, और मैं यहाँ से जाऊँगा लाबोंग की ओर। तो पहले तो मुझे सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर जाके मैं वहाँ से हिचहाइक करना शुरू करूँगा। और यहाँ से 90 किलोमीटर है लाबोंग। तो गाइस, अभी मैं मिज़ोरम के जो जो एरियाज़ को मैं क्रॉस करके आ रहा हूँ, वो सब थे मिज़ो डोमिनेटेड एरिया, मतलब वहाँ पे मिज़ो लोग ज़्यादा थे। और लुंगलेई में भी मिज़ो लोग ज़्यादा है, लेकिन लाबोंग में जा रहा हूँ वहाँ पे चकमा लोग बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपीरियंस जो होने वाली है वो तो वाइल्ड होने वाली है। फिलहाल मैं ऐसा रोड से जा रहा हूँ, और ये जो सिटी है, ये तीन चार छोटे छोटे सिटी को एक करके एक बड़ी सिटी बनी हुई है। ये सिटी का नाम है लुंगलेई, और ये तीन चार छोटी छोटी सिटी मिला के एक सिटी बनी हुई है। तो गाइस, यहाँ पे आके झारखंड का एक दादा मिला है, दादा का नाम है जीवन दादा। तो बोल रहे आप अगर कल हमको मिलता तो आपको रूम में रहने का दरकार नहीं था, आप मेरा घर में चला आता। अच्छा दादा, यहाँ पे पुलिस का पावर ज़्यादा है कि चर्च का पावर ज़्यादा है? पुलिस का तो पावर ज़्यादा नहीं है, चर्च का बहुत पावर ज़्यादा है ना, यहाँ पे सब चर्च को ज़्यादा मानते हैं। तो गाइस, आप लुंगले में जब आते हो ना, मतलब मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होल्ड करती है चर्च। सो गाइस, एक लंबी वॉक के बाद लाबोंग की रोड में पहुंच गया। यह है लाबोंग की रोड, और अभी इंतज़ार करना है गाड़ी कब आएगी। बाकी यहाँ से 90 किलोमीटर से लाबोंग रोड, और क्लाउड्स को देखो यार, क्या नज़ारा है, बेट की तरह लग रहा है क्लाउड्स को। और देखते हैं गाड़ी कब आता है। वैसे लाबोंग जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर में है, लुंगतलाई यानी मिज़ोरम बॉर्डर, और लाबोंग यानी बांग्लादेश बॉर्डर। तो आप यहाँ पे आके ये सब जगह घूम सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे ये भैया लोग मिले हैं जिनके साथ अभी गप्पे लड़ा रहे हैं, और ये भैया का डॉगी है, और ये अंकल भी कोलकाता गए हैं, और इनको हिंदी उतना नहीं आता है, लेकिन बोल रहे हैं कि आप लाबोंग जाओ, उधर हिंदी बोलते हैं सब। थैंक यू, सॉरी, या ओके, थैंक यू। मिज़ोरम आदमी है, हमारा मिज़ोरम आदमी है, माय फ्रेंड। ओके, सो ही इज माय फ्रेंड। ओके, बाय 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 बाय। या श्योर, विल टेक्स्ट यू। या सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा देर कब, ओके ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे अभी भैया लोग के साथ बातें कर रहे थे, तो भैया लोग बोल रहे हैं मिज़ोरम का पीपल बहुत अच्छे हैं, और भैया ने मुझे अपना इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लिया है, तो भैया के साथ बातें होगा। आप भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और बाकी ऐसा रोड से चल रहा हूँ मैं, इधर गाड़ी तो नहीं दिख रहा मुझे, तो देखते हैं कब गाड़ी मिलता है।
सो गाइस हम लोग घर में जो झाड़ू यूज करते हैं ना उसका ये देखो, ये झाड़ू का पेड़, और वो झाड़ू मिजोरम से ही जाती है। यहाँ पे तो कम है लेकिन अंदर गांव में और भी ज़्यादा है ये झाड़ू का पेड़, और ये झाड़ू रेडी मिजोरम में होके जाता है। इंडिया में कहीं पे आप झाड़ू यूज़ करो तो वो मिजोरम से ही जाता है। जंगल से चल रहा हूँ, अगली विलेज में जाना है, यहाँ से और 1-2 किलोमीटर होगा, और बहुत दूर से वो ऊपर से मैं चल के आ रहा हूँ, और ये रोड में गाड़ी तो नहीं है, अभी तक एक भी गाड़ी पास नहीं हुआ, वही अरुणाचल वाला सीन लग रहा है मुझे। सो गाइज अभी मैं एक विलेज में हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज? सेज़ेकॉन। तो मैं अभी सेज़ेकॉन विलेज में हूँ, और ये लेफ्ट की ओर जाता है त्लाबुंग, और ये राइट की ओर जाता है वन हे, और मैं अपना बैग यहाँ पे रख के मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। सो गाइज मैं यहाँ पे चाय ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, तो आंटी जी से हाई से हाई। सो ये आंटी जी, सो ये आंटी मुझे चाय घर में बुलाई है चाय पिलाने के लिए, तो मैं अभी आंटी के घर जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। सो ये रहा आंटी का घर। आई हैव टू कीप माई शू आउटसाइड, ओके। सो यहाँ पे आंटी चाय बना रही है मेरे लिए, और आंटी का घर। नाइस हाउस यू हैव। सो अभी मैं यहाँ पे चाय पीऊँगा और उसके बाद गाड़ी के लिए वेट करूँगा। तो यहाँ पे आंटी मुझे चाय पिया है, सो स्वीट ऑफ यू। ओके ओके, सो यहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ आंटी के साथ। यू कैन सिट हियर, आप भी बैठ जाओ। वो कता तो जा जरी या एंड मैंने चाय पी लिया है, और बाहर मैं गाड़ी के लिए वेट कर रहा हूँ। एक भी गाड़ी तलाबों की तरफ नहीं जा रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। गाइस अभी पता चला कि जो सुमोज हैं वो सुबह चली गई हैं, और गाड़ी भी नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं कैसे क्या होगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ, और यहाँ से अभी सुमोज भी नहीं जाएगी, इधर गाड़ी बहुत ही कम चलती है, और रोड भी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब रोड है। तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा से वेट कर रहा हूँ। सो गाइस एक लिफ्ट मिला है, कहाँ तक का आप जाएंगे? रांगते। तो यहाँ से रांगते तक का लिफ्ट मिला है, यहाँ से 35 किलोमीटर्स है, फिर देखेंगे वहाँ से क्या मिलता है नहीं मिलता है। गाइस मिजोरम में आके बंगाली आदमी मुझे लिफ्ट दिया है। दादा आपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन मजुमदार। अख्तर हुसैन, और दादा आपका? मेरा नाम भी अख्तर हुसैन। दोनों अख्तर, बड़ा अख्तर छोटा अख्तर, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अच्छा, बड़ा अख्तर भैया और छोटा अख्तर भैया, तो मुझे 35 किलोमीटर तक लिफ्ट देगा। आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अगर ये तो मिल सकता है। अच्छा, आप एक काम करो, आप ऊपर उठ जाओ, नहीं तो साइड में आपको ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है ठीक है, ये ऊपर बैठने से दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, हम ऊपर बैठ गए। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मज़े आने वाले हैं हिच हाइकिंग करके, मज़े आ रहे हिच हाइकिंग। गाइस ये लिफ्ट मुझे 3.5 घंटा बाद मिला है, लेकिन पूरा 90 किलोमीटर्स का नहीं मिला है, 35 किलोमीटर्स का मिला है। आगे जाके देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो लास्ट में सुमो पकड़ लेंगे। और ऐसा है कुछ रोड का नज़ारा।
तो गाइस मेरे साथ अभी को पैसेंजर्स आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हिचहाइकिंग चलता है सबका ही, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। तो रोड से आके बहुत ख़राब है, कैमरा भी ठीक से पकड़ के खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमारा को पैसेंजर्स आ चुका है और अभी यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। 35 किलोमीटर्स का लिफ्ट देगा, उसके बाद मुझे त्रावंग जाना है और ये आदमी लोग सब आ रहे हैं। से हाई हाई ये सब जा रहे हैं। यू क्लास 10 यू एट तो ये दो बच्ची यहाँ पे आई है। हाँ क्या व्हाट लिटिल सिस ओके, ये इनकी लिटिल सिस्टर है, ये क्लास 10 में पढ़ती है, वो क्लास 8 में पढ़ती है। तो ऐसी है लाइफ मिजोरम में नियर द बांग्लादेश बॉर्डर, और इन लोगों को हिंदी उतना आता नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आता है। अलग ही एडवेंचर है, कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, रोड इतना गंदा है देखो। भाई पूरा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया हम लोग। तो गाइस इतना गंदा हो गया कि गमछा निकाल के माथा में लगा लिया, पूरा माथा वाथा पूरा गंदा हो गया, सबको यहाँ पे गंदा हो गया, भैया भी गंदा हो गया सामने बैठ के। तो ये रोड बड़े गंदे हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी जंगल में बैठे हुए हैं और यही घूम रहे हैं। व्हाट इज दिस खीरा, देखेगा हम लोग गाइस। ये है वाइल्ड लाइफ यहाँ के, गोली गोली चिड़िया गोली चिड़िया चिड़िया आप लाया कहाँ, दिखाओ चिड़िया दिखाओ, नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला। ओके बाय बाय, हेलो मैं। तो ये अंकल जंगल में चिड़िया मारने निकले थे। तो गाइस रोड इतना खराब है कि हम लोग थोड़ा अभी रेस्ट लेने रुके हैं, बाकी ये लोग गाड़ी के ऊपर है, भैया यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ का नज़ारा देखो। और बाकी जो ऊपर राइट साइड में बैठा हुआ है वो भैया जंगल में जा रहा है बम्बू लेने, और ये जो अभी हाथ दिखा रहे हैं वो सब्जी सेल करने जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं, और माथा मैंने कवर कर लिया क्योंकि इतना धूल है, मेरा बाल पूरा गंदा हो रहा है, तो फेस में पूरा कवर करके फिर निकलूँगा। यहाँ वो लोग उतर गया है और रास्ता का हाल एकदम बेहाल है। भैया ने मुझे उतार दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं खाने आ रहा हूँ। खाना मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। तो गाइस एक लोकल मीजो यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हूँ। ये है खाना, में ऐसे प्लेट दे देता है, राइस अलग देता है, और ये क्या है, ये लाल वाला, लाल वाला हाँ काटा, और इसको क्या बोलता है अंतम, अंतम, और ये तो प्याज है, राई पत्ता। अच्छा
तो आज का लंच मेरा यहीं होने वाला है। तो गाइस खाना मेरा हो गया है और ये एक गांव में मैं हूँ। यहाँ पे कुछ मार्केट लगा हुआ है। ऐसा कुछ है यहाँ का मार्केट। तो ये जगह का नाम क्या है पूछते हैं। ये जगह का नाम क्या है? क्या? ये जगह का नाम फाड़ुआंगकाई। अच्छा, ये जगह का नाम है फाड़ुआंगकाई। और यहाँ से मुझे लुंगले के लिए गाड़ी देखना पड़ेगा। तो इधर घूमने के लिए कोई नहीं आता है क्या? घूमने नहीं आता इधर? तो गाइज यहाँ पे कोई घूमने नहीं आता है, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। आगे वाइल्ड एडवेंचर होने वाला है। तो गाइज ये एक गाड़ी मिला है जो 15 किलोमीटर छोड़ देगा। अंदर हो जाएगा वो? मुझे 15 किलोमीटर छोड़ देगा, उसके बाद मुझे सुमो मिल जाएगा शायद वहाँ से। तो क्या नाम है आपका भैया? हाँ ठीक है सामने के दरिया फार निकला कुछ नहीं। आपका नाम क्या है भैया? राहुल। राहुल, तो राहुल भैया मुझे छोड़ रहा है 15 किलोमीटर। सो गाइस वो राहुल भैया ने मुझे यहाँ पे उतार दिया है और ये रोड जाता है तलाबुंग की ओर। तो गाड़ी अभी भी 1 घंटा बाद आएगा बोल रहा है और नहीं भी मिल सकता है ये भी बोल रहा है। तो राहुल भाई रिटर्न आ रहे हैं, तो राहुल भाई आने से देखते हैं क्या करे, नहीं तो रिटर्न वहीं पे जहाँ पे था वहाँ पे चला जाएगा। सो जहाँ गया था वहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो राहुल भाई फिर से आए हैं। अभी राहुल भाई के साथ मैं फिर से वही जगह आ रहा हूँ और यहाँ पे रात को रहने का भी कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं रिटर्न चला जा रहा हूँ उधर। वो जगह क्या नाम था उसका जहाँ से आप मुझे उठाया? फायरंग। अच्छा, फायरंग बोल के कुछ जगह है, वहीं पे मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो गाइस मैं वापस यही होटल पे आ गया हूँ और राहुल भाई से बात हुआ। राहुल भाई बोला अगर गाड़ी नहीं मिलता है 6-7 बजे तक मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, आप मेरे साथ मेरा घर चला जाना। तो वही करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय 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 बाय। सो एक लिफ्ट मिल गया है तलाबुंग के लिए, लेकिन पहुँचेंगे हाँ रात को 8-9 बजे पहुँचेंगे। तो गाइस एक सीमेंट का ट्रक में लिफ्ट मिला है और ये दीदी को हिंदी पता है, तो दीदी मुझे हेल्प कर रही है। और ये एसी भाई दीवागिरी में रहता है तलाबुंग में, तो ऐसे ही जा रहे हैं। सो गाइस ये भैया को देख रहे हैं आप? हेलो। ओ दीपांशु जी को भी ये भैया ही लेके गया था सुमो में, तो टूरिस्ट लॉज में उतर दिया था है ना। तो आपका नाम क्या है? विजय बर्मन। विजय बर्मन बेंगोली है? नहीं, बर्मन। बर्मन? हाँ। बर्मिस से है? बर्मिस नहीं, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये जंगल से जा रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। शायद रात को 10 या 11 बजे पहुँचेंगे और थोड़ा बारिश भी हो रहा है। यहाँ पे बारिश हो रहा है और मिट्टी गीला हो रहा है और गाड़ी पूरा स्लाइड हो रहा है, एक्सट्रीम ऑफ रोड हो रहा है यार, पूरा स्लाइड होते होते गाड़ी जा रहा है। तो गाइस अभी तलाबुंग पहुंच गए, कृष्णा भैया का घर में आज रुकेंगे हम लोग। घर वो पर वो जो लाइट देख रहे हैं ना, हाँ हाँ वो ऊपर है हम लोग। अच्छा, तो ये कृष्णा भैया, ये बाकी सब मेरा दोस्त बन गए। अभी अभी इनके घर में ही मैं रुकूंगा और इनके साथ ही कल और परसों घूमूंगा मैं। और ये है कृष्णा भैया का दादी। तो अभी कृष्णा भैया का घर में आ गए हैं और ये कृष्णा भैया है और इनका नानी, ये कौन है? मासी। मासी है मेरा। अच्छा, ये कृष्णा भैया का मासी और इधर हम लोग आज रात को सोएगा।